टुडे द प्लेयर ऑफ द गेम इज ग्लैन लिविट डिस्टिलर्स रिजर्व ये एक सिंगल मॉल्ट है और ये ट्रैवल एक्सक्लूसिव एडिशन है बिल्कुल और ये आती है स्कॉटलैंड से बताने की जरूरत नहीं इसका नाम ही इतनी नाम से याद आए इसके नाम की जरा चर्चा कर लेते हैं mm -hmm. ग्लैन लिविट का मतलब क्या है ग्लैन लिविट लिविट का मतलब ये एक रिवर का नाम है जो स्कॉटलैंड में ऑब्वियसली स्पेसाइड रीजन से आती है और जो ग्लैन है ग्लैन वैली को कहते हैं तो वैली और रिवर का नाम इसको मिला के बनता है ग्लैन लिविट ये जो ब्रांड है ये 199 years old है. 199 है। इससे पुराना आई थिंक मैंने जॉनी वॉकर देखा है हमारे चैनल पे और मुझे शिवास रिगल का याद नहीं आ रहा जो शिवास ब्रदर्स है उनका कितना पुराना था बट दिस इज 199 इयर्स ओल्ड ब्रांड और इसको ओन करते हैं जॉर्ज स्मिथ और उनके साथ उनके आई थिंक सन है उनका मैं नाम भूल गया हूं हाँ जे जी स्मिथ सो so, इन दोनों ने मिलकर इसकी Uh, क्या कहते हैं उसको लेगे है। है। हाँ, और काफी लंबे टाइम तक रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। इसका जो नाम है द डिस्टिलर्स रिजर्व इसके अंदर एक और बड़ी खास बात है जो देखने वाली है ट्रिपल कास्क मेच्योर्ड इसका पूरा नाम है ट्रिपल कास्क का मतलब तो आपको है हम तीन तरह के बैरल्स की बात कर रहे हैं एक आपके होते हैं अमेरिकन वाइट ओक कास्क जो आप इसको कह सकते हैं कि वनीला और जो स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे वो उस कास्ट से आती है फिर इसमें आते हैं एक्स शेरी कास्क जो इसमें आपको ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर या थोड़ी सी स्पाइसीनेस प्रोवाइड कर सकते हैं एंड ट्रेडिशनल ओक कास्ट जो स्कॉटलैंड में यूज होते हैं वो इसमें एक प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करने वाले हैं तो ऑल एंड ऑल स्पाइसीनेस की इतनी उम्मीद नहीं रख सकते एक ईजी गोइंग स्मूथ अमेजिंग डिस्की जो एक टिपिकल स्पेसाइट सिंगल मोल्ट होती है ये एक्सपेक्टेशन हमारी इससे है बॉक्स ओवर व्यू की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ द बॉक्स इज टॉप नॉच ये जो हल्का सा आप स्क्रैच दिख रहे हैं ये भी इन इन्होंने जो हल्का सा फट गया है कार्डबोर्ड ये भी हमारी गलती से फटा है अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है द क्वालिटी इज एक्चुअली टॉप नॉच और जैसे कि इसका जो नाम सजेस्ट करता है ग्लेन लिविट ट्रिपल कास्क मेच्योर्ड यानी कि इसकी एजिंग जो है तीन कास्क में हुई है थ्री डिफरेंट कास्क में ये रहा एक ये रहा दूसरा कास्ट जो डिवाइड होके यहाँ पर भी आ रहा है एंड देन एक कास्क ये रहा तो ये जो नीट एंड क्लीन मार्केटिंग टेक्निक्स हैं ये इतनी अमेजिंग है इन फैक्ट द कलर ऑफ द बॉक्स इज सुपर वाइब्रेंट जो बहुत अच्छा लग रहा है फॉर अ चेंज जरा भी छपरी नहीं लग रहा ऑनेस्टली ये तब भी इतना डिसेंट लग रहा है इवन आफ्टर बींग सच अ वाइब्रेंट कलर दिस इज एन अमेजिंग बॉक्स द क्वालिटी द कलर एंड एवरी थिंग इज टॉप नॉच अब चलते हैं बॉटल ओवर व्यू पे और देखते हैं क्या खास है इसके बॉटल डिजाइन में टिपिकल ओल्ड स्कूल डिजाइन ज अ ग्लैन लिमिट दूर से पता चल जाएगा ये ग्लैन लिमिट है और यह जो बिल्ला है नहीं ये सात सौ छियासी नहीं अमिताभ बच्चन वाला जो दीवार में था क्या नंबर है बिल्ले का पढ़ो तुम सात सो छिया ये विजय नहीं है ये ग्लैन लिमिट है दिस पर्टिकुलर थिंग एटीन ट्वेंटी फोर इट इज सो आइकोनिक सो अमेजिंग देख के मजा आ रहा है दिस टिकुलर बोटल दैट यू सी दिस इज बोटल्ड इन स्कॉटलैंड ट्रेवल एक्सक्लूसिव एडिशन है हम आपको बताई चुके हैं दिस इज अ वन लीटर बोटल इसका जो एबी वी है दैट इज फोर्टी परसेंट और इसका जो करंट प्राइस है ड्यूटी फ्री पे दैट इज राउंड अबाउट सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड हमने ऑफर में ली थी तो हमें राउंड अबाउट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड के आसपास मिली थी सो अगेन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बिस्कीज वी हैव ऑन आर चैनल अब चलते हैं पोरिंग पर और देखते हैं क्या ये जो हमने प्राइस पे किया है इज इट वर्थ इट अब चलते हैं पोरिंग पर और इसका मुझे काफ़ी इंतजार है पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि ये खोलते ही ये जिसे कहते हैं ना स्वाद विस्की, ये प्रॉपर स्वाद होने वाली है आ, ओ, ओ ओ ये बीच में आई थिंक ऐसे हो जाएगा हो गया हो गया ये भी वही हैक वाली है।, वाली है हाँ चलो खुल गई एक चीज और बताना चाहता हूँ टू थाउजेंड ट्वेंटी में इसने स्टेटमेंट कैटेगरी में गोल्ड जीता था हाँ ये गोल्ड भी जीत चुकी है 2020 में। अब जिसका मुझे बड़ा थोड़ा बड़ा और कर देते कोई नहीं। आ, अभी बजा ना भिड़ो खोल ही लिया आज सिंगल मॉल तो फिर आज मजे भी पूरे पूरे ले लिए जाए वाह दूर से ही जैसे घर पे सर्दियों में गाजर का हलवा बनता है ना और दूर से खुशबू खुशबू आती है और मन करता है कि बस टूट पड़ूँ आज वही फीलिंग मेरे को इसको सुनकर आ रही है नहीं स्पाइसीनेस तो फील नहीं हो रही और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है नोज पे देख कर कि ये एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली और रादर कंजम्पशन के लिए बहुत फ्रेंडली विस्की होने वाली है हमारी मेल और फीमेल ऑडियंस दोनों के लिए स्पाइसीनेस अगेन जैसे मैंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है और स्मोकीनेस भी नहीं है जो कि ठीक भी है क्योंकि जिस रीजन से आती है उससे आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते अब इसके कलर और टेस्टिंग के लिए चलेंगे फादर साहब के पास और देखते हैं उनका क्या कहना है इसके बारे में कलर की बात करें तो डार्क गोल्ड ही है ये अब आती है इम्तिहान की घड़ी काफी ज्यादा उम्मीद है मुझे इससे पता नहीं क्यों आज क्योंकि मेरी नोजिंग बहुत अच्छी थी मेरी मतलब इसकी मजा आया जबरदस्त फ्रूटीनेस तो ओवरलोडेड है भर के भर के ठीक है वेनिला का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है ठीक है थोड़ी टैंगी है अच्छा टैंगी भी है मतलब कॉम्प्लेक्स तो खैर स्पेस साइड क्या ही होगी लेकिन जो ये जो एक एक्सपेक्टेशन होती है स्पेस साइड से आपने नोजिंग में स्मोकीनेस नहीं बताई मगर टेस्ट में स्मोकीनेस है ज्यादा है कि कम है ठीक है हल्की सी। हल्की जो है। एक हाँ, से और बाकी में। में। मेरे को एक हनी की है ना वो फील हो रही है मेरे को ना हेजल नॉफी होती है ना उसका फ्लेवर लग रहा है यानी फ्लेवर अच्छा लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल यानी कह सकते हैं ये बहुत ही फ्रेंडली बिस्की है बिल्कुल कोई भी पी सकता है मैं कह रहा हूँ कि मैंने पिछली बारी भी एक वीडियो करी थी कोई उसमें मैंने कहा था अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी फैमिली को कि अच्छी कोई भी स्कॉच हो सिंगल मोल्ट हो ट्राई ट्राई कर आप उसको नीट जरूर करो वैसे ये तो है ही नीट वाली ये हंड्रेड परसेंट नीट वाली है इसमें तो इसमें पानी डालना तो ही नी बस ये तो पानी या आइस चलो आइस भी क्या ही डालनी नहीं अगर गर्मी ज्यादा है तो चलो आपका मन है तो वो कर लो अदरवाइज मुझे नहीं लगता अदरवाइज टेस्ट इसमें इतने अच्छे है ना आप इसको ट्राई करो अब अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की या ओवरऑल रेटिंग की तो वो आप क्या देना चाहोगे इसे क्योंकि इसमें एक एज स्टेटमेंट नहीं है ये एक डाउन है उसी उसी को मद्देनजर नजर रख कर मैं इसको नाइन पॉइंट दूंगा कि एज स्टेटमेंट आएंगे लेकिन विस्की काफी राउंडेड है ये तो है बिल्कुल और मैंने ग्लैंड लेवे ट्वेल्व भी टेस्ट की हुई है उससे ये बेटर है उससे ये बेटर है बिल्कुल यानी कि जो बारह साल एज्ड विस्की है भाई बात है एज स्टेटमेंट में मत जाओ सिर्फ लेकिन दिस इज अ बेटर सिंगल देन ग्लेन लिविट 12. बिल्कुल बिल्कुल देनिविटेन से खैर हमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो नहीं फिफ्टी मैंने ली नहीं 12 12 ली, ली हुई है तभी मैंने आपको बताया ना तो दिस इज लाइक अ मच बेटर थिंग अब रेटिंग हो गई ओवरऑल एक्सपीरियंस हो गया तो अब किस चीज का इंतजार है अब इंतजार है अगले धमाके का जो हम आपके लिए नेक्स्ट वीक लेके आने वाले हैं बिल्कुल अब हमें जब सिंगल मोल्ट हो गई तो जो हमारे बजट सेगमेंट के भाई हैं, उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल तो अब अगले हफ्ते मिलते हैं कोशिश करेंगे कोई नई वीडियो और कोई नई लाएंगे प्ले प्ले बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो रिमेंबर ड्रिंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ग्लास क्लास पीना भी एक कला है टिल